नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं रिया। बात होगी टी20 पर, तो टी20 के करो या मरो मैच में भारतीय टीम ने खुद अपनी हार की कहानी लिखी। हार का सबसे बड़ा कारण बना भारत के विकेट लगातार गिरते रहना। लेकिन कमेंट्री कर रहे इरफान पठान से बीबीएस लक्ष्मण तक यही कहते रहे कि जिस तरह की गेंदों पर भारत के बल्लेबाजों ने अपने विकेट खोए, उनमें से एक भी गेंद ऐसे नहीं थे जो विकेट ले सकती थी। असल में भारत ने खुद अपनी इस हार की कहानी लिखी है। आइए यहाँ सबूत समेत कुछ तस्वीरें देखते हैं और ये रिपोर्ट्स जो कहती है वो बताते हैं। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर खेलने आए रोहित शर्मा का पहली ही गेंद पर कैच छूटा। रोहित ने ट्रेंट बोल्ट की छाती की ऊंचाई की गेंद को पूल के अंदाज में मारा। डीप मिड ऑन पर एडम मिल्ले ने उनका कैच छोड़ दिया। जब रोहित ने गेंद को ऊपर मारा तो स्टैंड में बैठी उनकी पत्नी रितिका अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ रही थी जैसे लक उनके पति के साथ रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बॉल के नीचे फील्डर हैं तो वहां उन्होंने निराश होकर चेहरा नीचे कर लिया। बगल में बैठी अश्विन की पत्नी उनकी पीठ थपथपाने लगी। तभी दिखा कि रोहित का कैच छूट गया। तब जाकर रितिका ने चेहरा उठाते हुए कहा कि अब जाकर उनकी सांसें लौटी हैं, वरना एक पल को उनकी सांसें रुक गई थी, ये किसी काम नहीं आया। आगे की सात वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे इंडिया के टॉप के सात बल्लेबाज अपने विकेट गिफ्ट में थमा के चले गए। ईशान किशन को टीम में लिया गया और रोहित शर्मा को नीचे खिसका कर उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। लेकिन उन्होंने वही शॉट मारा जहां फील्डर खड़ा था। असल में पावर प्ले में बाउंड्री पर सिर्फ दो खिलाड़ी होते हैं। ईशान ने सीधे उन दो में से एक खिलाड़ी के हाथ में शॉट लगाया। राहुल एक ऐसी गेंद पर आउट हुए जिस तरह की गेंदों को वो इसी दुबई के ग्राउंड में बाउंड्री के बाहर भेज देते थे। तो ये कुछ तस्वीरें जो दूसरी तस्वीरें थी, लेकिन यहाँ वो आउट हो गए। मैच के आखिर तक आकाश चोपड़ा और इरफान कहते रहे कि उन्होंने कभी विराट कोहली को ऐसा कोई शॉट खेलकर आउट होते देखा ही नहीं। असल में विराट रन गति को तेज करने के चक्कर में एक ओवर पिच गेंद पर अपना विकेट खो दिए। अगली तस्वीर है और इसके बाद जो तस्वीर है ऋषभ पंत में जिस तरह की ओवर पिच गेंदों को सिर्फ एक हाथ में छक्का लगा देते थे, ठीक वैसे ही गेंद पर वो बोल्ड हो गए। हार्दिक पांड्या को इतना कमज़ोर शॉट खेलते हुए बीते कई सालों में किसी ने नहीं देखा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो एक बेहद आम गेंद पर वो ऐसे आउट हुए जैसे कैच की प्रैक्टिस करा रहे थे। बड़ी उम्मीद थी कि शार्दुल कुछ तो करेंगे, लेकिन वो खाता भी नहीं खोल सके। एक बेहद आम गेंद पर आसान सा कैच देकर आउट हो गए। तो ये कुछ तस्वीरें थी जो इन सभी चीज़ों को बयां कर रही थी। आपने देखा किस प्रकार से टीम इंडिया ने अपना खेल खेला। तो फिलहाल हार तो हो ही चुकी है, आगे उम्मीदें भी बहुत कम हो चुकी है कि अब शायद ही टीम आगे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।